प्लांट ईटन एज फूड मेनी वेजिटेबल्स वी गेट आर रूट्स और लीव ऑफ द प्लांट तो जितनी भी वेजिटेबल्स आप खाते हो आपको कहां से मिलती है आपको वो मिलती है प्लांट से तो वो रूट्स भी हो सकती हैं वो स्टेम भी हो सकती है और वो लीव्स भी हो सकती हैं कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं दे ग्रो बिलो द ग्राउंड और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो ग्राउंड के अबव ग्रो करती हैं सो लेट्स सी देम राइट यू फॉर द वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड जो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं उनके लिए हमें यू लिखना है और जो अबव द ग्राउंड ग्रो करती हैं उनके लिए हमें ओ लिखना है एंड एल लिखना है हमें फॉर लीफी वेजिटेबल्स सो फर्स्ट इज योर कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर कहाँ ग्रो करती है कॉलीफ्लावर तो अबव द ग्राउंड ग्रो करती है सो दिस इज इसके लिए हम लिखेंगे ओ नाउ इसके लिए आपको पता है ये कहाँ ग्रो करती है ये तो अंडरग्राउंड ग्रो करती है हमारी जो गाजर है गाजर तो अंडरग्राउंड ग्रो करती है So, इसके लिए हम लिखेंगे यू. Then you have this one. अब ये क्या है this is spinach, पालक 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 करती है? पालक तो लीफी वेजिटेबल है सो पीज कहा ग्रो करते हैं प्री तो आउटसाइड ग्रो करते हैं सो so, ये अब द ग्राउंड ग्रो करते हैं इनके लिए हम लिखेंगे ओ अनियंस फिफ्थ सीधा ब्रिंजल ब्रिंजल कहाँ ग्रो करता है ये भी अब द ग्राउंड ग्रो करता है तो इसके लिए भी हम लिखेंगे ओ सी अनियंस आनियन जो है ये अंडर द ग्राउंड ग्रो करते हैं सो so, इसके लिए हम लिखेंगे यू देन सी दिस वन पटेटो पटेटो भी अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं इसके लिए भी हम लिखेंगे यू एंड देन वी हैव अ बॉटल गॉड बोटल गॉड मतलब घिया ये बहुत अच्छी वेजिटेबल होती है बहुत न्यूट्रिशियस वेजिटेबल होती है ये भी कहाँ ग्रो करती है अबव द ग्राउंड इसीलिए इसके लिए भी हम ओ लिखेंगे वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड रूट वेजिटेबल्स तो ऐसी वेजिटेबल्स जो अंडर द ग्राउंड ग्रो करती हैं, उनको हम बोलते हैं रूट वेजिटेबल्स